बहुत बड़ी गलती कर दिया था मैं थोड़ी। बैरिकेड का मेला कैसा लग रहा है? Hey guys, welcome back again my vlog. Hopefully आप सब बढ़िया होंगे, मैं बढ़िया हूँ। तो आज का हमारा जो सीन होने वाला है, आज हम पहले देहरादून जाएंगे क्योंकि आज मैं लेट हो चुका हूँ ट्यूशन की वजह से। तो भाई राहिल भी हमारे साथ है। भाई राहिल, हमको लगेगा भाई कम से कम 1.5 घंटा देहरादून पहुँचने में, और फिर कल को देखते हैं कहाँ जाना है देहरादून से। अभी तो फिलहाल जो सीन हो रहा है थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है क्योंकि बीच में जो रास्ता है वहाँ पर रास्ता ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से कुछ दिक्कत भी आ सकती है रात के टाइम। और जी अभी फ़िलहाल हम मंगलौर से निकल चुके हैं, जो सालेर वाला रास्ता निकल रहा है यहाँ से, मंगलौर से बाईपास सालेर होके फिर ऊपर टर्न लेके देहरादून सीधा हाईवे, यह सबसे बेस्ट रास्ता है। हम पहले जाते थे भाई रुड़की को घूम के, पूरा इतनी दूर को जाना पड़ता था, अब ये सीधा यहाँ से काफ़ी कम टाइम लगेगा हमें, और हम सीधे मिलते हैं बिहारीगढ़ में आपको। ठीक है भाई, चले चलते हैं भाई, फिर चलो आपको और कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं। भाई पूरे बने रहिए इस व्लॉग में, आपको जरूर मजा आएगा। भाई के 7 बज चुके हैं भाई, शाम के 7 बजे हम निकले हैं घर से। हाँ भाई 7:30 बजे भाई, कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। मच्छर गिरा पलक का बाल टूट गया, बहुत बड़ी गलती कर दिया मैं, थोड़े लेट चल गया भाई। बता ले भी 7:30 बजे भाई, अंधेरा इतना खतरनाक हो रहा है। कुछ भी दिख रहा है तो पुर कर देखो, दे बाल बढ़ाना है देखो निकले। हाँ निकल गया निकल गया निकल गया। कहाँ पे फिलहाल भाई हम? अभी हमें भूख भी लग रही है भाई, और रात में पता नहीं क्या डलेगा राहिल भाई के, तो अभी हम बिहारीगढ़ रुकने का इरादा कर रहे हैं। बिहारीगढ़ से रुकेंगे फिर थोड़ा चलेंगे आगे को। कितनी दूर है भाई? नेट भी चल रहा क्या हो रहा है? 6 मील। कितनी दूर है? 6 मील। 6 मील मतलब 11 मिनट का रास्ता, 11 किलोमीटर। आपको मेला दिखाएंगे यहाँ पर बिहारीगढ़ का मेला कैसा लग रहा है। हम लेट तो हो ही गए, लगभग 8 बज चुके हैं, और आधा घंटा और सही पूरा आपको घुमाया जाए मेले के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ से? एंट्री लेनी पड़ेगी पहले है जी, अंदर जाने की भी एंट्री भाई। ये लगी सीने यहाँ का तो भाई, मतलब मेले के अंदर जाने की भी एंट्री है भाई। मेले के अंदर अगर आपको जाना है तो 20 रुपये एंट्री करवानी पड़ेगी पहले यहाँ से। तो अपनी स्कूटी हमने यहीं पे पार्क कर दी है, अब हम अंदर चलते हैं यहाँ से। पुलिस वाले भी खड़े भाई यहाँ, तो अब हम अंदर मेले के घुस लिए। हमें लग रहा है भाई कम से कम 1 घंटा तो यहाँ पे जाएगा पक्का, 100% जाएगा है भाई। राहिल क्या लगा तुम्हें? देखते हैं अगर मजा आए तो 1.5 घंटा भी जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने का। पान तो नहीं खाएंगे अभी हम, पान नहीं अभी, पहले कुछ खाना पीना देखते हैं। इधर देख रहे भाई कुछ भाई, पूरा यहाँ पे डेकोरेट तकड़ा कर रखा है इन्होंने। और ये क्रोकरी का सामान है इधर लेफ्ट साइड में, ये हर सेल 100 रुपये सेल के साथ। ये मौसम हुआ इसके अंदर बाइक है, घूम रहा है चोर बाइक कार वगैरह है। हमने ले चुकी है एंट्री, और भाई फटके चोरी हो रही फिलहाल मेरी। रुक जा भाई रोक लेना, गिरने का तो नहीं भाई। सिनेमैटिक व्यू देख दिखाते हैं आपको, हिलो लेगा टॉयलेट करा दे।
मुझे भी लग रहा है भाई। बड़ा शौक था बैठने का झूले में। भाई ऐसा लग रहा है जब ऊपर जा रहे ना दिल में हवा सी भर रही है। क्या होगा तेज होगा वो गाइस। वीडियो तो बनाई नहीं आपके लिए तो डरने से कोई लाभ नहीं है। कुछ क्या रोके कुछ क्या रोके। अभी लगा का मेरा यहाँ जी अभी लगा कैसे लग रहा हो भीड़ इतनी कम क्यों है भाई। ये तो बना लिया आपने पर चक्कर आ रहे हैं थोड़े थोड़े। क्या नाम भाई? खालिद राजपूत। अच्छा खालिद राजपूत। अच्छा भाई इंस्टा में बोला करवा दिया रहा हूँ। अरे कोई नहीं दिक्कत। कब से लग रहा है यहाँ पे मेला? मेला कब से लग रहा है? अच्छा इतनी भीड़ कम क्यों है? भीड़ कम क्यों है? अच्छा बहुत ज़्यादा। हम सोच रहे भाई अब भीड़ नहीं आया यहाँ पर दिक्कत। फूल के लिए हम अब थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं जो जिसकी आइटम। तो कुछ नहीं मिलेगा हमारे खाने के लिए। क्या खाओ स्पेशल पकौड़ी पकौड़ियाँ खाते हैं बाहर चल के। तो राहिल भाई बदल चुके हैं। इन्होंने पहले बोला कि मेले में चलते हैं वहीं पे खाएंगे और अब बोल रहे हैं कि सीधी प्यारीगढ़ की पकौड़ी खाएंगे हम। भाई यहाँ पर जो हमने ना खाया हो ये सब चीज़ें मिल जाती है भाई। प्यारीगढ़ की पकौड़ी प्यारीगढ़ में मिलती है तो स्पेशल है भाई। हाँ भाई बच्चों फोटो खींच। पोस्ट सा तो दे आधार कार्ड का फोटो खिंचवा रहा बड़ा सा है नु कर दे यूं चल तू गा दे। गाइस लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो फॉलो कर दियो। हां जल्दी कर दियो और जल्दी लाइक। शुक्रिया बच्चों। लो भाई तुम्हारा फोटो खींच देता हूं। देखो व्लॉग वायरल यो खींच दियो और मेरे को दे नु गा दे एक बार। यो व्लॉग वायरल कर दो भाई। देखो भाई बच्चों ने गा दिया वायरल कर दो। अभी निकलते हैं यहां से। बाय बाय बाय। साढ़े आठ बज चुके हैं गाइस। हमें सिर्फ आधा घंटा लगा मेले में। और भाई अब जा सीधा बस देहरादून लगा दे बस सीधी पकौड़ी का प्लान करा दे। राहिल भाई आ चुकी है अपनी बिहारीगढ़ की पकौड़ी मशहूर पकौड़ी। अब हम इन्हें खाते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से। एक किलो का जाकर लगा दो। 30 किलो 1 किलो का जाकर लगा। हाँ पूरी रात अगर बस मिल गई कोई जंगल में उसके पीछे पीछे चलते रहे तो सही रहेगा। अगर अकेले हो गए ना पटकी। हमने बोला था आपको 1 घंटा लगा लगभग बिहारीगढ़ के अंदर। 8:30 अरे 1 घंटा अकेले भाई हर हल्की स्पीड पे चलना पड़ा। 9:30 तक पहुँच जाएंगे 9:45 तक। प्रदेश की जो लाइट है वो अगली वाली नॉर्मल वाली तो सही चल रही है। जो इसकी डीपर वाली लाइट है वो साइड में जा रही है इसलिए और स्पीड कम करके चलना पड़ेगा हमें। हमारी इधर मोमोज पैक है देहरादून में जाते साथ लपेटेंगे उन्हें। मोमोज ले लिया हम मोमोज कह रहा सॉरी हमने पकौड़ी पैक करवा ली है यहाँ से। तो अपनी पकौड़ी पैक हो चुकी है इन्हें डिग्गी में डाल देते हैं जिससे गर्म की गर्म रहेगी। फिलहाल तो भाई काफी ठीक है हमारा किस्मत अच्छी है कि ट्रैफिक नहीं मिला वरना यहाँ पे भाई 1 घंटा पूरा वेट करना पड़ जाता है।
अंधेरा हूँ भाई, डर से लग रहा है थोड़ा भाई, पीछे भी कुछ नहीं अंधेरा। लाइट देखो भाई कहाँ पड़ रही है। फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं। घर पे तो नहीं एग्जैक्टली, हम दुकान पे पहुंचे हैं अभी मामा की, और यहां से घर पहुंचेंगे। अब काफी टाइम लग गया घर से, साढ़े सात बजे तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं हम, और कल मिलेंगे आपको। रात को प्लानिंग करते हैं कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं, उसके बाद आपको बताएंगे जहाँ जाएंगे, और थोड़ी सी आपको प्लानिंग भी दिखा देंगे हमारी प्लानिंग कैसे चलती है। तो भाई ये प्लानिंग कर लीजिए कल के बारे में। तो भाई कल की बल्फ तो लगा लिया भाई, बड़ी मुश्किल से भाई सामान उठाना पड़ा, तारा लगा भाई, चल जा सिम सिम, बिस्मिल्लाह। तो आए हाय दूसरे को उठा के हमने ये देखो भाई, ये आपके लिए हो रहा है, बस सिर्फ आपके लिए। सो गाइस तो आज हम अब जा अपना डेस्क भाई, अब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे अपनी चौकड़ी लगा के। तो अब हम सोच रहे कि भाई कल कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह ही निकलना है यहाँ से, तो इसलिए हमें अभी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम सुबह को गए, सुबह को प्लानिंग करी हमने, तो भाई पता नहीं कहाँ हमारा ठिकाना होगा, हमको कुछ नहीं पता। तो अभी हम सब बैठ चुके हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन है हम फिलहाल। ये राहिल है, ये इधर वी एस बी आई जो हमारे सबसे बड़े हैं, मतलब जो हमें लेके जाएंगे, घर वालों ने इनकी वजह से परमिशन दी है हमें। और भाई आसमान, हेलो भाई कहाँ, उठ जा उठ भाई, देख लो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है बंदा बिल्कुल हमारे व्लॉग में। 12 बज लिए इतनी जल्दी, तो भाई यार 12 बज चुके हैं, हम 12 बजे डिस्कशन कर रहे हैं, और फिलहाल बिल्कुल सुनसान पड़ा है यहाँ पे। तो बताओ कहाँ जाना है, मसूरी। मसूरी में आप भाई, भाई तो राहिल भाई बताओ कुछ भाई, जॉर्ज एवरेस्ट जाना चाहूँगा। जॉर्ज एवरेस्ट, तो भाई मैं तो जॉर्ज एवरेस्ट में, और फिर उसके बाद मसूरी में कुछ जगह जो फेमस है वहाँ पर जाऊँगा। वीर भैया आप बताओ फिर भाई, मैं जाना चाहूँगा। देखो इस टाइम हम जो हैं फालतू से ही नज़र आ रहे हैं, तो हमें मालदीव तो जाना चाहिए, वहाँ बाढ़ आई हुई है, मरण जाओ एक अद्धा कम हो। जो जो ये स्कूटी है ना वो इस भैया के एक्सेल, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसे वहीं बैठेंगे हम। सही कह रहा है वैसे, ठीक है ना, सरकार हमें नया तो देगी। हाँ जरूर देगी, नया देगी। चलो जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, जॉर्ज एवरेस्ट चले भाई। हाँ तो भाई फिर क्या करा जाओ बताओ, क्या करा जाए। सुबह को चलते हैं 8 बजे। सुनो 12 बज चुके हैं, एक घंटा और कर लो, चल ले भैया। स्टैंड तो बेकार है रास्ता भाई, तो तेरी भाई बीच में कुछ भी मिल सका, हाथी होती वो यार वो देखना मुझे, शकल देख लो भैया तू। तो भाई हमने डिसीजन ले लिया है, सुबह को निकलेंगे हम 7 बजे। तो राहिल भाई और मैं दोनों निकल लेंगे 7 बजे, और भाई ये और ये दो बंदे हो रहे हैं उस्मान और राकिब, ये बोल लिया कि हम बाद में आएंगे, तो इनको बाद में देखते हैं, हम सुबह ही निकल लेंगे अपना। ठीक है भाई राकिब, राहिल हाँ जी सुबह ही निकल लेंगे हम, तो भाई मिलते हैं हम 7 बजे। अब भाई मिलते हैं कल के व्लॉग में, जो जल्दी।